हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे विदा मुयार्ची मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार की मूवी विदा मुयार्ची अपने अनाउंसमेंट के बाद से सुर्खियों में है। निर्माता पहले ही मूवी से एक्टर का पहला पोस्टर पेश कर चुके हैं जिसने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया था। इसके बाद फिल्म से कई स्टारों का पोस्टर पेश किया गया। हाल ही में फिल्म के टीजर को लेकर जानकारी सामने आई थी। दर्शकों को मूवी की रिलीज डेट का ऐलान का भी इंतजार है। ऐसा लगता है कि आखिरकार दर्शकों का ये इंतजार खत्म हो गया है। फिल्म की रिलीज को लेकर अटकलें थी लेकिन इससे अगले साल के लिए स्थगित किया जा सकता है। पहले से खबर ये है कि ये मूवी इस साल रिलीज होगी लेकिन सुनिश्चित तारीख की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। अब खबर आ रही है कि मूवी अगले साल पोंगल पर रिलीज हो सकती है। ये बताया गया है कि 2024 में रिलीज होने वाली कई मूवियों के कारण लंबे समय से मूवी की रिलीज को 2025 तक टाल दिया गया है। अब मूवी की रिलीज की तारीख का खुलासा हो चुका है। अब मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक्टर अर्जुन सरजा ने हाल ही में ये साफ किया है कि विदा मुयार्ची 2024 में सिनेमा घरों में आएगी जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी। एक्टर अर्जुन सरजा विदा मुयार्ची में मुख्य रोल के रूप में देखने को मिलेंगे। हाल ही में दुबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए एक्टर ने अजीत कुमार अभिनीत मूवी के बारे में खुलकर बात की है और बेहद ही रोमांचक अपडेट दिया है। अर्जुन सरजा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में मगिस थिरुमेनी डायरेक्ट मूवी के क्लाइमेक्स फाइट सिक्वन की शूटिंग पूरी की है। एक्टर ने आगे कहा कि विदा मुयार्ची 2 से 3 महीने में रिलीज होगी। इसके दिसंबर 2024 में रिलीज होने की ज्यादातर उम्मीद है। इस मूवी का डायरेक्शन मगिच थिरुमिनी ने किया है। इस मूवी के जरिए अजीत और मगिच पहली बार साथ काम करते हुए देखने को मिलेंगे और इस मूवी को प्रोड्यूस लाइका प्रोडक्शन द्वारा किया जाएगा और इस मूवी में म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया जाएगा। इस मूवी में अजीत कुमार अर्जुन की भूमिका निभा रहे हैं और त्रुषा उनकी वाइफ पल्लवी की भूमिका में है। तो दोस्तों, आप भी ये जबरदस्त मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।